के पहला सॉन्ग है, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए कि गाना कुछ चल जाए, हिट हो जाए और सुनो आप तो आपको मज़ा आएगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस टाइप का सॉन्ग है, बारिश का मौसम है, किस टाइप का सॉन्ग है, दुख भरा है थोड़ा और अच्छा है, मतलब आपको मज़ा आएगा देख कर। ये जो कास्टिंग है किस तरह कास्टिंग हुई, कितनी खूबसूरत लड़की आपने कामना के ढूंढ निकाले, आपने कहाँ से ढूंढे? एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया, विपिन जी ने, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और रीचा जी ने ये गाना गाया है ना, तो उसके बाद मेरे को था कि अच्छी अच्छी कास्टिंग ढूंढी जाए, तो मैं इनसे मिला। मैं जानता पहले से हूँ लेकिन मतलब मैंने इनको कास्ट किया इस सॉन्ग, और लड़का हमारा आदिल है, वो लोग चंडीगढ़ से हैं, डायरेक्टर भी चंडीगढ़ से है, तो वो आ जा नहीं पाए। कामना जी, क्या शुभकामना, किस तरह आपको एल्बम मिला, कितना एक्साइटमेंट गाने के लेकर के, अभिषेक और जो दिनेश हो ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर, किस तरह बॉन्डिंग? एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर फॉर मी, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग करके। एंड फर्स्टली मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वो जो सॉन्ग था जो मैंने अभी शूट किया, वो मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से रिलेट करता है। एंड इट्स अ वेरी लवली सॉन्ग, और इनकी जो सिंगर है वो रिचा शर्मा जी है, बट बहुत अच्छा अच्छा उन लोगों ने मतलब गाया है वो सॉन्ग, बट मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना करके शूट करके। कितने लकी है, जितने किंग जो है सिंगर है भारत का रिचा शर्मा, इसके सॉन्ग पे आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, कितना एक्साइटमेंट इस गाने के? एक्चुअली रिचा शर्मा जी के बारे में सभी जानते हैं कि वो कितनी अच्छी सिंगर है इस बॉलीवुड के लिए, तो मुझे मतलब मुझे प्राउड फील हुआ कि उनके लिए मैंने सॉन्ग किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। इनके कुछ यादें, कुछ आपने बचपन में गाने सुने कोई हो, कितने आप मतलब? उनके गाने, एक सॉन्ग था किस्मत फिल्म का, प्रियंका चोपड़ा एंड आई थिंक बॉबी देओल, हाँ बॉबी जी का, तो वो एक जो सॉन्ग था उसी से मैं इंस्पायर्ड हुई थी रिचा शर्मा जी से, तो वो इट्स अ लवली सॉन्ग। कहाँ शूट हुआ, कहाँ शूट हुआ और कैसा रहा मोमेंट वहाँ का बताइए? वो चंडीगढ़ में शूट हुआ, चंडीगढ़ में हमने ये शूट किया। सर आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे जुड़े हैं? मैं तो जहाँ अभिषेक है वहीं पे हूँ, कामना मुझे जानती है, मैं कामना से मिला था, मैंने इस गाने को डायरेक्ट नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं साथ में रहता ही हूँ, इनका बड़प्पन ये नाम डाल देते क्रिएटिव डायरेक्टर में, बट ये सब कुछ करता रहता यही है, इन्होंने इनको ढूंढा, बट हमें इनसे मिला था, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किया था एंड मतलब क्रिएटिवली पाजी हमारे साथ हैं, जैसे जैसे हुआ सब मिलकर हुआ। क्रिएटिव का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, किस तरह डिजाइन करना है, किस तरह क्या करना है, तो कैसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं एक बार कहानी सुनाई थी, कुछ नहीं, सब कुछ इन्होंने किया, चंडीगढ़ गया, मैं चंडीगढ़ में था भी नहीं, बट गाना बहुत अच्छा शूट हुआ, आप अंदर जाके देखना। मेन ये कि रिचा शर्मा सिंगर जिसके जलेबी बाई ये इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ की लेंथ की है, वी आर वेरी हैप्पी, और गाना शूट बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ का बहुत बड़ा डायरेक्टर है सुखदी, जिसके काका गाने नहीं है काले लीले बास्ती बिल्लो बगे बिल्ले, सारे गाने उसके सुपर हिट है, वही होप कि हमारे लिए गाना बहुत अच्छा निकले। कामना उसमें गाने में बहुत खूबसूरत दिख रही है भी, और क्या लगी है। एंड अभिषेक जी, आपको पहले भी गाने आ चुका है, पंजाबी हिंदी भी कर रहे हैं, हाँ पैक कर रहे हो, बताए अपने पर किस तरह? एक्चुअली क्या है, लास्ट ईयर मैंने एक सॉन्ग किया था गाफिल, जिसमें अंजलि अरोड़ा थी, और फिर उसके बाद मैंने एक पंजाबी फिल्म की, तो मुझे लगा कि यार चलो अपना भी चैनल ओपन करते हैं, और मैंने ओपन किया और पहला गाना हमारा रिचा जी ने गाया और विपिन भाई ने उसका म्यूजिक किया। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा जो पहला गाना था एज ए डायरेक्टर लाइव का, वो इन्होंने कंपोज किया मेरा, तुम कहो तो जिसी से आया था, वो गाना बहुत अच्छा था। आज हम फिर से एक साथ खड़े हुए हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और एक रिक्वायरमेंट आई थी कि एक सैड गाना करना है रिचा जी के साथ, तो बस एक अच्छा गाना बनाएं, आप लोग सुनिए, आप लोग को मज़ा आएगा, और काफ़ी शेयर कीजिए, और हमारे जो है कामना मैम काफ़ी उसमें अच्छा मतलब बहुत अच्छा शूट किया है इनको, मतलब मुझे बहुत मेरे को दिया अभी इतने कड़ी लड़कों को इतना दुख क्यों मिल रहा है यार, इसके दुख कम हो जाए, ये कहीं से छील ले हम लोग इसको, फिट मतलब करेक्टर में ये फिट बैठ गई। ये सर गाने किस तरह का बोल रहे, राइटर हो आप, किस तरह गाना बोले, तो एक लाइन अगर बता दे तो अच्छा रहेगा। गाने का बोल है जैसे कि मैं एक लाइन आपको गा के सुना देता हूँ। सहलिया गम दुनिया जहाँ दा, सहलिया गम हमने, पर कैसे सहूं तू ही बता, कैसे सहूं यार वे तेरा धोखा, तेरा धोखा।
विपिन भाई का म्यूजिक और रिचा मैम की वॉइस और इनकी एक्टिंग अभी आपको दिखाएंगे। बस ये अभी हमारे लेकिन वो काफी ज्यादा अपना प्यार भेजी है कि गाना बहुत अच्छा है और काफी अच्छा करेगा। तो बाकी आप लोग आखिर में क्या बोले अभिषेक जी, कहाँ देखने को मिलेगा? सर ये है हमारे चैनल हैप्पी आवर्स म्यूजिक पर, और आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, आपको गाना जरूर पसंद आएगा और इनकी एक्टिंग पसंद आएगी, गारंटी है। बस सर हमारा कोशिश है कि हर 15 दिन में या 1 महीने में हम लोग अच्छे अच्छे उस पर सॉन्ग डालें। हम लोग और सॉन्ग्स कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, पर करेंगे। हाँ 100% कामना के साथ में। अच्छा एक और की मुझे पहले ये लगा कि ये कोइंसिडेंस है कि ऋचा शर्मा, अभिषेक शर्मा और कामना शर्मा, किसी ने पूछा इनसे बोलने वाले ने, कहते भैया ये क्या फैमिली है, मैं कोई किसी को जानता नहीं है, बस प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। तो ऑल शर्मा इज हियर एंड शर्मा इज हियर ऐसे हम पिक्चर जो कर रहे हैं उसमें दिनेश भाई कामना फिर से देखने को मिलेगा जो पिक्चर में 100% पाजी डायरेक्ट करेंगे और हम इसको 100% एज ए हीरोइन कास्ट। बहुत अच्छी फिल्म की है चाहे पाजी चल रही है, जिसमें रुबीना डलियात जो बिग बॉस की, वो मेरी पंजाबी फिल्म थी, उन्होंने लॉन्च किया वो पंजाब में, एंड वहाँ का लड़का इंदर चहल वो लॉन्च हुआ है, और इसके इमीडिएटली बाद अब इनका अगला प्रोजेक्ट ये आ रहा है हिंदी। किस लेवल का ये प्रोजेक्ट होगा, क्या क्या करते हैं? सुपर सुपर सुपर। थैंक यू ऋचा जी को, अभिषेक शर्मा जी को कि गाना बाकी बहुत अच्छा बना है। और गुड इवनिंग टू ऑल, एंड मैं विश करती हूँ कि गाना यूट्यूब में जबरदस्त बने और सब देखें और आशीर्वाद दें कि गाना बहुत आगे तक जाए और बहुत ही फेमस हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके लिए बधाई, हैप्पी आवर्स का ही प्रेजेंटेशन है और एक धोखा ही है जो कभी भी कहीं भी मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। और तेरा धोखा, मतलब ये मेरा धोखा नहीं, तेरा धोखा, मतलब मैं सेफ हूँ, तो अच्छी बात है तेरा धोखा रिलीज़ हो रही है। और इस धोखे में बहुत से लोगों की साजिश है, हमारे अभिषेक भाई जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, और बस विडम्बना ये है कि आज और ऐसे ही मिलते रहे, और ऐसे ही अभी बहुत जल्द फीचर फिल्म भी इनका रिलीज हो, यही शुभकामना है। और मे यू गाइस रॉक, दैट्स द बॉटम लाइन। एंड मैम यू आप क्या बोलना चाहते हो, आपने भी गाने की गाइस क्या भी देना चाहते हो? सेंटर लुक देखो, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं कवर पे, अभिषेक सर ने काम किया है तो बहुत अच्छा ही होगा, और आई जस्ट प्रे कि ये बहुत अच्छे माइलस्टोन्स अचीव करे सॉन्ग। तेरा धोखा, मतलब आपको कभी धोखा मिला इस तरह गाना है तो बताओ? मुझे तो नहीं मिला है, मिलने वाला है। चलो सबको जिसे देना चाहते हैं आप सबको, मैंने बस यही बोला है कि बस आई प्रे कि बहुत अच्छे माइलस्टोन्स अचीव करे ये सॉन्ग। और ये गाने में धोखा मिला है, मालूम करना चाहिए, और धोखा मिलना भी चाहिए। जिंदगी का वाइब नहीं है।